सो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अब इसे एक हम ना छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि डाइवर्सिफिकेशन आके होता क्या है। तो हमारी आज का क्लासेस का है डाइवर्सिफिकेशन एग्जांपल हम समझेंगे। एक है हमारे पास मिस्टर अजय देवगन। कौन है? अजय देवगन है। और दूसरे हमारे पास मिस्टर अक्षय कुमार। ठीक है, अब अजय देवगन ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनके पास इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख की, उन्होंने इसे डाइवर्सिफाइड किया। क्या किया? डाइवर्सिफाइड किया, उन्होंने अलग अलग जगह इसे इन्वेस्ट किया अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को। और जो मिस्टर अक्षय कुमार थे, इन्होंने क्या किया, इनके पास भी रुपीज़ 1 लाख ही थे, और इन्होंने पूरी की पूरी अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कहाँ की? गोल्ड में। अब अजय देवगन ने कैसे किया ये इन्वेस्टमेंट, वो देखते हैं हम। उन्होंने 25,000 तो कहाँ किए, एफडी में, प्लस 30,000 उन्होंने किए शेयर्स में, प्लस उन्होंने 25,000 जो थे वो इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में, और केवल 20,000 रुपीज़ ही उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किए। अब 2 साल बाद, 2 ईयर्स आफ्टर, 2 ईयर्स क्या हुआ, अजय देवगन ने क्या हुआ अंकल, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ अजय देवगन के इन्वेस्टमेंट का? इसमें जो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ ना, अभी मैं इंटरेस्ट लेने वाली हूँ, तो वो इंटरेस्ट जो है मैं एज जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, कोई फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि आपके ये 2 साल बाद जो आपने एफडी में 25,000 इन्वेस्ट किए थे, मिस्टर अजय ने जो 25,000 एफडी में इन्वेस्ट किए थे, वो अब कितने हो गए, उन पे 17% का इंक्रीज हुआ एफडी, और वैल्यू हो गई 35,100। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, 75% का एफडी में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अराउंड आपको 6 to 7% मिलता है मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो। अभी करंटली जैसे नॉर्मली आपको क्या मिलता है, 6 to 7% का, कम ज़्यादा होता रहता है इसमें। तो अब आपका हुआ शेयर्स 34.8% इंक्रीज हुए, ये भी 2 साल में ये इंक्रीज हुए हैं शेयर्स में, आपका इतना इंटरेस्ट हुआ 40,440। अब वहीं म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो इसमें 22.5% इंक्रीज, वैल्यू क्या हुई 30,625। और हमारी जो गोल्ड था, जो अजय देवगन ने 20,000 रुपये जो गोल्ड में लगाए थे, अब उसकी वैल्यू उसमें क्या हुआ, उसमें माइनस में गया 8%, यानी कि यहाँ पे ये माइनस में गया, कम हुआ, तो 18,400 का। तो यानी कि ये जो -8% गया गोल्ड का, ये हमारा क्या हुआ, ये 8% का क्या हुआ, ये एक तरह से लॉस हुआ। ठीक है, सो अगर हम टोटल बात करें, उनकी वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी लगभग 1,24,565 के अप्रॉक्स, और ये हुई हमारी 24.56% का उन्हें बेनिफिट हुआ यहाँ। अब वही हमने अक्षय कुमार को देखना है। स्टॉक ट्रेडिंग ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि हर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है,
बट ये समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है बट नॉलेज नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि हम कर लेंगे, बट नॉलेज कैसे लें, क्या करें, उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आप लेवल टू पे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप लेवल टू से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर। अरे वीडियो गेम भी तो खेलते हैं, लेवल वन क्लियर करने से पहले थोड़ी ना लेवल टू पे पहुंच जाते हैं। सो आपका जब लेवल टू स्टॉक ट्रेडिंग है तो उसमें कैसे आप एकदम से स्टार्ट कर पाएंगे, आप कैसे एकदम आप कॉन्फिडेंस ला पाएंगे। लेवल वन क्लियर कीजिए। लेवल वन क्या है? लेवल वन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको जब इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना सीख जाएंगे आप, इक्विटी डेप स्ट्रेनर रेशियोज, शार्पे रेशियोज, इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, जीरो टू एडवांस लेवल की नॉलेज होगी। जब आपको पता होगा कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, जो आपका वर्क हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, उसमें जो आपके बेंचमार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उन्हें रीड किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, कैसे एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो रेडी की जाती है, कैसे आप इक्विटी लेना है, डेप्ट लेना है, हाइब्रिड फंड्स चूज करने हैं, कौन से फंड्स आपको चूज करने हैं, ये डिसाइड जब आपको पता चल जाएगा कैसे डिसाइड करना है, तो स्टॉक ट्रेडिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। बट उससे पहले जैसे मैंने कहा, लेवल वन यानी कि म्यूचुअल फंड आपको क्लियर होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में आपके जो इन्वेस्टर्स आते हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर आप अगर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में थोड़ा सा वो डरते हैं करने से अपना इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के एडवाइस दे रहे हैं, उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कन्विंस कर रहे हैं, तो आपके लिए अपना करियर बनाना इजी हो जाता है, उन्हें कन्विंस करना इजी हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण आप आगे स्टॉक ट्रेडिंग में भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और जो क्लाइंट्स आपसे अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा रहे थे, कल को आप उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी इजिली कन्विंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल बन चुकी है मार्केट में। हाय, आई एम गार्गी गुप्ता, अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं आपको ये सब गाइडेंस इसलिए इतनी अच्छे से दे पा रही हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास एनआईएस म्यूचुअल फंड 5A सीरीज का डिस्ट्रीब्यूटर का सर्टिफिकेशन मैंने क्लियर किया है, वो मेरे पास सर्टिफिकेट है। क्योंकि मुझे इस फील्ड में अच्छे से नॉलेज है, इसलिए मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दे पा रही हूँ। हम म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं, जिसमें जीरो टू एडवांस लेवल तक की आपको सारी नॉलेज दी जाती है। इक्विटी डी हाइब्रिड फंड्स की होती है, ट्रेडिंग रेशियोज, शार्पिंग रेशियोज की होती है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से आप उन्हें बैलेंस करते हैं फंड्स में, अलग से एक फंड से दूसरे फंड्स में आप उन्हें शिफ्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा हमारे कोर्सेज में आपको सिखाया गया है। सो आप अभी म्यूचुअल फंड ज्वाइन कीजिए, म्यूचुअल फंड में आप अपनी नॉलेज गेन कीजिए, फिर उसके बाद आप स्टॉक ट्रेडिंग पे जब जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा एंड आपके लिए अपना करियर एक स्ट्रांग और हाई लेवल का होगा। बाय बाय। अक्षय कुमार ने क्या किया था, पूरा का पूरा अपना मनी 1 लाख का केवल गोल्ड में लगाया था। अब 2 इयर्स बाद, आफ्टर 2 इयर्स क्या हुआ, 8% का गोल्ड में लॉस हुआ था। यहाँ अजय देवगन को भी क्या हुआ था, 8% का कम जो गोल्ड था, ये 8% का जो गोल्ड था ये डिक्रीज में गया, कम हुआ, माइनस में गया। सेम यही टाइम था, 2 साल बाद हम सेम टाइम पीरियड ले रहे हैं, 2 साल का जो टाइम पीरियड ले रहे हैं ये सेम है। अजय देवगन ने और अक्षय कुमार ने के दो एग्जैक्टली 2 इयर्स का ले रहे हैं। अजय देवगन ने मान लीजिए 2010 में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, तो अक्षय कुमार ने भी 2010 में ही इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी अपनी 1 लाख की, और ये 2 साल बाद यानी कि 2012 का टाइम पीरियड है, और सेम यहाँ भी 2012 का टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, तो यानी कि ये सेम इंटरवल में चल रहे हैं, यानी कि दोनों ने एक साथ इन्वेस्टमेंट करी। अब एक साथ अगर एक ही टाइम पे देखें तो गोल्ड जब 8% माइनस में गया अजय देवगन का, तो यहाँ पर भी अक्षय कुमार का भी जो गोल्ड था वो भी 8% माइनस में गया गोल्ड, क्योंकि उसने पूरा मनी गोल्ड में लगाया था। अब इनकी वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 92,000 तो ये इन्हें लॉस हुआ यहाँ पे। अब अगर हम कंपैरिजन करें, जहां अजय देवगन थे, अजय देवगन को जहां 2 साल बाद ये अमाउंट मिली 1,24,565, वहीं अक्षय कुमार को कितनी मिली, केवल 92,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा एक ही साथ गोल्ड में लगाया, जिसमें उन्हें पूरा 8% का लॉस हुआ। जबकि अजय देवगन ने क्या किया था, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया था, कुछ FD में, कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में और कुछ पार्ट गोल्ड में।
ऐसे करके उन्होंने अपने रिस्क को क्या किया, डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। कुछ उन्होंने अपने रिस्क को एफडी में सेव कराया, एफडी में रिस्क नहीं होता, फिक्स अमाउंट आपकी क्या हो जाती है, एक जगह आप उसे सेव कर लेते हैं, तो एक तरह की सेविंग है। यहाँ आपको रिस्क नहीं होता, एफडी में रिस्क नहीं होता। शेयर्स में किया उन्होंने 30,000, म्यूचुअल फंड में 25,000 और गोल्ड में 20,000 रुपये। तो उन्होंने इस तरह से अपना क्या किया, अपना रिस्क को डिवाइड किया। उन्होंने अपने रिस्क को जब डिवाइड किया तो उससे क्या हुआ कि उनको हमने माना था, या एफडी लगभग हमने 17% की ली थी, यानी कि 35 का तो उन्हें बेनिफिट सीधा सीधा सा, वो उन्होंने अपनी जो ये एफडी की 25,000 की अमाउंट थी ये तो उन्होंने अपनी सेव कर ही ली थी कि ये तो मेरी सेव हो ही गई है। ये यहाँ तो उन्होंने रिस्क को अपने मैनेज किया कि यहाँ पे मैं सेफर साइड खेला। उन्होंने यहाँ शेयर्स में उन्होंने 30,000 लगाए, 25,000 फिर म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में उन्होंने फिर थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगाई, यहाँ पे उन्होंने अपना रिस्क थोड़ा लिया, फिर म्यूचुअल फंड में करके उन्होंने जो अपने अमाउंट यहाँ 20,000 ली थी, सॉरी 25,000, वो उन्होंने 30,625 का बेनिफिट हुआ। गोल्ड में उन्हें लगा कि ज़्यादा रिस्क है गोल्ड में, तो उन्होंने केवल बहुत छोटी अमाउंट लगाई, सबसे कम आप देखेंगे तो 20,000 के गोल्ड में ही उन्होंने लगाई है, जिसमें उनको 1% का लॉस भी हुआ, तो 18,400 का ही उन्हें बेनिफिट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में अपने रिस्क को डिवाइड कर दिया और इन्होंने अपने रिस्क जो है उसे मैनेज कराया कि उन्हें एक लॉस ना हो। जैसे कि अक्षय कुमार ने जब एक साथ सारा पैसा गोल्ड में लगाया, तो यानी कि अगर गोल्ड उठता है तो वेल एंड गुड कि उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा एक ही जगह लगाया। अगर गोल्ड इंटरेस्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उनकी अमाउंट भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस जैसे कि यहाँ केस हुआ, 8% का माइनस में गया, इंटरेस्ट जो है वो कम में गया, लॉस में हुआ, तो उन्हें क्या हुआ, लगाए तो 1 लाख रुपीज थे, उन्होंने मिले कितने, केवल 92,000 ही उन्हें मिले। कितने मिले, 92,000, यानी कि उन्हें लॉस हुआ ना सीधा सीधा, 1 लाख लगा के उन्हें 92,000 मिले, तो लॉस ही तो है ये उनका। जबकि क्या होना चाहिए था, जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आदमी इस हिसाब से करते हैं, 1% की उन्हें प्रॉफिट हो, वो अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करें तो उन्हें प्रॉफिट होते हैं। 1 लाख का अगर वो, जैसे अजय देवगन ने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया था अपने मनी को, तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने भी लगाए तो 1 लाख ही थे अजय देवगन ने भी, और उनको कितना बेनिफिट हुआ, 24,565 का, 1 लाख 24,565 उन्हें मिले थे, यानी कि सीधा सीधा उन्हें 24,565 का बेनिफिट हुआ। तो इसी तरह से डाइवर्सिफाई का यही मतलब होता है, डाइवर्सिफिकेशन का, कि आप अपने रिस्क को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड कर देते हो, डाइवर्सिफाई कर देते हो, रिस्क को अपने अलग अलग जगह डिवाइड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते हो, मतलब कमाने, अपना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी गोल को अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उन्हें डाइवर्सिफाई करो उस बेसिस पे कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो, हाई रिस्क टेकर हो, या आप लो रिस्क टेकर हो, मतलब कि आप या तो लो रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, या आप मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि ठीक है मैं कुछ ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करूंगा जहां हाई रिस्क है, लेकिन कुछ जगह ऐसे करूंगा जहां सेफर साइड है, कि वहां पे मुझे रिस्क लो है या है ही नहीं, है ना, आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करोगे। और लो रिस्क वाले क्या करेंगे, जो लो रिस्क टेकर हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ रिस्क है ही नहीं, बहुत ही थोड़ा है तो। और जो हाई रिस्क टेकर हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसी जगह खेलेंगे जहाँ वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि वो अपना सारा पैसा रिस्क में लगाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं तो अक्षय कुमार एक तरह से यहाँ रिस्क टेकर हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड में लगाकर एक एज अ रिस्क टेकर बने, और उन्होंने रिस्क लिया तो डेफिनेटली रिस्क में चांसेस थे कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी, इक्वल इक्वल चांसेस थे दोनों के होने के, तो यहाँ बाई चांस उन्हें लॉस हो गया। इसी तरह से मिस्टर अक्षय कुमार भी अगर डाइवर्सिफाई करते अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन वो सारे डाइवर्सिफिकेशन जो ले रहे थे, जो भी एसेट्स ले रहे थे, वो सारे एसेट क्लास कहाँ ले रहे थे, रिस्क वाली कैटेगरी में, जैसे गोल्ड में रिस्क लिया उन्होंने, इक्विटी में लगाया उन्होंने पैसा। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, अपना रिस्क वाली कैटेगरी ही चूज़ करी, जिसमें उन्होंने लो रिस्क वाली कैटेगरी को एलिमिनेट ही कर दिया अपने पास से एसेट्स को। तो वहाँ पे भी इक्वल चांसेस थे कि उन्हें प्रॉफिट भी इक्वल चांसेस थे और लॉस के भी इक्वल चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन का मेनली मोटिव यही होता है हमारा, कि हम अपने रिस्क को कम से कम हम रिस्क फेस करें। कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो यही चाहता है कि मेरे पैसे का लॉस कम हो। अब यहाँ पे हाई रिस्क टेकर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, क्योंकि मेजर पार्ट जो होते हैं वो रिस्क वाले कैटेगरी में आते हैं ये, तो मेजर पार्ट पोर्टफोलियो में हम इन्हें लेते हैं कि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अपना जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं।
लेकिन जो लो रिस्क टेकर होते हैं, मतलब जो हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग पर्सन नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, ऐसे अपना जो बिगर अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो लो रिस्क वाले कैटेगरीज में लगाते हैं, जैसे कि FD में, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में, उसमें। तो जैसे कि यहाँ पे अजय देवगन ने क्या कहता है, FD में भी पैसा लगाया, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, लो रिस्क लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे हम जो कैटेगरीज होती हैं वो उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं डाइवर्सिफिकेशन में, कि पर्सन कितना रिस्क टेकर है, कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से वर्क करता है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये डाइवर्सिफिकेशन का आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसे आप एक बार में यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपका जूम कर करके आपको बता दिया, वीडियो पॉज कर करके फिर से अपना नोट कर लीजिएगा, आपको अगर इसका एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट। म्यूचुअल फंड्स, नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आते हैं, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, हम बैनर्स पे देखते हैं, हमारे आए दिन हमारे सामने आते ही रहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह। क्यों आता है, क्या है इसका, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना इजी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, एज एन एडवाइजर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करियर के अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। इन्वेस्टर के, एज एन छोटे इन्वेस्टर, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बहुत छोटी सी अमाउंट से, तो आज ही इन्वेस्ट कीजिए। बट उससे पहले नॉलेज भी तो चाहिए, नॉलेज कहाँ से लें, तो उसके लिए हमारा म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि प्रैक्टिकल लेवल का 0 से एडवांस लेवल का कोर्स है। इसके लिए लिंक पे चेक कीजिए।